जो से अगर निधित्व हो वहां के विद्यार्थियों से बात करें, इसमें सीनियर स्टूडेंट भी है, जूनियर स्टूडेंट भी है, और ये बात अधूरी रहती है अगर इसमें अभिभावक ना होते, पेरेंट्स ना होते, टीचर्स ना होते। और ये कोशिशें की गई है कि एक प्रकार से विद्यार्थी के जीवन में जो सीधे संपर्क में आते हैं उन सबसे संवाद करने का यह अवसर बने। अभी जो एक नृत्य प्रस्तुति हुई, मैं समझता हूं उसमें जो बातें बताई गई उसके बाद मेरे कोई भाषण की आवश्यकता नहीं है। वो सारी बातें उसमें समाहित है। अगर हम उसको ही आज का संदेश मान ले तो मेरे समेत यहां उपस्थित और देश में इस कार्यक्रम को देखने वाले हर किसी के लिए एक नया विश्वास पैदा करने वाला, नई आशा पैदा करने वाला वो एक नृत्य प्रस्तुति थी। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और उस पूरे कार्यक्रम में रीना ने जो तमाम दिखाई, दो हाथ नहीं एक पैर नहीं फिर भी जिंदगी का जज्बा कुछ और है। अभी हम देख रहे थे वीडियो पुराना, उसमें भी मैंने बताया था कि हाँ भूल जाइए कि आप किसी समारोह में बैठे हैं, आप ऐसा ही मानिए आप अपने परिवार में बैठे और परिवार में ही गप्पगोल कर रहे और अपने ही परिवार का कोई चीर परिचित चेहरा आपसे गप्प मार रहा है। अगर ये हल्का फुल्का वातावरण बनेगा तो शायद मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे लिए ये कार्यक्रम किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है, न मुझे